तो भाई आप सभी पीएफ मेंबर्स के साथ आज की इस वीडियो में एक ऐसी शानदार इंफॉर्मेशन, एक शानदार जानकारी शेयर करने वाला हूं जो कि आपके काफी ज्यादा काम आएगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए काफी सारे ऐसे पीएफ अकाउंट होल्डर हैं वो अपना जो है जो 12 डिजिट का जो यूएन नंबर रहता है उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तो उनको जो है एक रेड कलर में एरर मैसेज आ जाता है जिसमें बताया जाता है कि आप जो नाम और जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रहे हो ये जो है पीएफ रिकॉर्ड में जो है मैच नहीं हो रहा। तो आपका जो नाम रहता है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहती है वो आपके पीएफ अकाउंट में अगर मैच नहीं होती है तो आप जो है अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं कर पाते। तो अगर आप एक पीएफ अकाउंट खोल रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है, उसने आपके पीएफ अकाउंट में आपका क्या नाम, क्या डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन करी है, जिससे कि जब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये नाम मेंशन किया है, ये डेट ऑफ बर्थ मेंशन करी है, तो ये दोनों चीजें जब आपको पता चल जाएगी उसके बाद जो है आप आसानी से अपना जो है 12 डिजिट का जो यूएन नंबर रहता है वो एक्टिवेट कर पाएंगे। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं सेम तरीका आप जो अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में फॉलो करके आप जान सकते हो कि आपकी कंपनी ने आपके पीएफ अकाउंट में क्या नाम, क्या डेट ऑफ बर्थ मेंशन करी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मैं आपको जो है बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा भी देता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो है कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और उसके सर्च बार में आपको जो है टाइप करके सर्च करना है IWEPFO, और जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो है EPFO का जो पोर्टल है IW, ये यानी कि इंटरनेशनल वर्कर का, ये आ जाएगा, तो इसको ओपन कर लेना है। बाकी इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो देख सकते हो ओपन हो गया। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर COC, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर COC पर क्लिक करेंगे कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है, और उसके बाद आपके सामने जो है किस तरह का जो है इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पर वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल रही है तो यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से घूम ही रहा है अभी ये, तो कुछ सेकंड वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉई, और यहाँ पर देखिए UAN, यहाँ पर किसी का भी आपको नाम पता करना है या फिर उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ पता करनी है, उसका जो 12 डिजिट का जो यूएन नंबर रहता है वो यहाँ पर मेंशन करना है, और ये जो कैप्चा कोड है ये यहाँ पर मेंशन करके सबमिट कर देना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है एक यूएन नंबर मेंशन कर देता हूँ मेरा ही, तो यहाँ पर मैंने यूएन नंबर मेंशन कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर यूएन नंबर मैंने मेंशन कर दिया 12 डिजिट का, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ पर कैप्चा कोड मेंशन करने के बाद, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड मेंशन कर दिया, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, लोडिंग होगा, कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉई, यहाँ पर आपको जो है यूएन नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए मेंबर आईडी, और यहाँ पर सेलेक्ट मेंबर आईडी। तो इस यूएन अकाउंट, इस यूएन नंबर के साथ आपकी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है वो यहाँ पर दिखा देगा। सेलेक्ट मेंबर आईडी एक रहेगी तो एक दिखा देगा, दो रहेगी तो दो दिखा देगा, यहाँ पर इस पर जो है पांच है तो पांच दिखा रहा है। और जिस भी पीएफ मेंबर आईडी का आपको जो है पता करना है, सिंपल आपको जो वो पीएफ मेंबर आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जब पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद तुरंत यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हो एम्प्लॉई नेम यहाँ पर दिखा रहा है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरह से आप जो है किसी का भी पीएफ मेंबर्स का जो अपना यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, उनका नाम डेट ऑफ बर्थ मिसमैच शो हो रहा है, तो यहां से जो है वो पता कर सकते हैं कि उनकी कंपनी ने उसके पीएफ अकाउंट में जो है उसका क्या नाम, क्या डेट ऑफ बर्थ मेंशन करी है। और यहां पर देखिए मेंबर आईडी यहां पर दिखा देगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर जो है उसकी कंपनी का नाम भी यहां पर दिखा देगा, और कंपनी का एड्रेस भी दिखा देगा, और यहां पर जो है एस्टेब्लिशमेंट जो कंपनी है उसका पीएफ कोड भी यहां पर दिखा देगा। और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो बाकी जो डिटेल है बट यहाँ पर शो नहीं हो रही, तो यहाँ पर कंपनी की डिटेल दिखा देगा, और यहाँ पर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपका नाम दिखा देगा। एक और मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए एग्जिट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सेम पेज आ गया है, और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर COC, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, जब यहाँ पर 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन कर दें, यहाँ पर कैप्चा कोड मेंशन कर दें, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे लोडिंग होगा,
कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉई यूएन, यहाँ पर यूएन नंबर दिखा देगा, मेंबर आईडी, सेलेक्ट मेंबर आईडी। अब यहाँ पर देखें इनकी जो है एक ही पीएफ मेंबर आईडी है, तो यहाँ पर एक दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको जो अपनी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, और जैसे ही पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखें एम्प्लॉई नेम, यहाँ पर एम्प्लॉई नाम दिखा देगा कि आपका ये जो पीएफ अकाउंट है इसमें क्या नाम है, यहाँ पर एम्प्लॉई नेम और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा। देख सकते हो यहाँ पर एम्प्लॉई नेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखा रहा है, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो है कंपनी का नाम और उसका जो है कंप्लीट एड्रेस और यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट पीएफ कोड, कंपनी का जो पीएफ कोड है वो यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर डिटेल चेक कर लें, उसके बाद ये जो एग्जिट का बटन है इस पर क्लिक करके जो इसको एग्जिट कर दीजिए, उसके बाद जो है सेम पेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो, काफ़ी शानदार तरीका है। मैंने आपको जो एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो में जो आप सभी पीएफ मेंबर्स के काफ़ी काम आएगी। अगर आपका यूएन अकाउंट नंबर जो है, जो यूएन नंबर है, इसी वजह से एक्टिवेट आप नहीं कर पा रहे कि आपको नहीं पता आपकी कंपनी ने आपका जो है क्या नाम, क्या डेट ऑफ बर्थ मेंशन करी है, तो जो मैंने तरीका आपको बताया है ये तरीका फॉलो करके आप जो है पता कर सकते हो, और उसके बाद आपका जो यूएन नंबर है वो आप एक्टिवेट कर पाएंगे। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये जो जानकारी मैंने आप सभी के साथ शेयर करी कैसे लगी, है ना, आप सभी पीएफ मेंबर्स को फायदा इस इंफॉर्मेशन से फायदा होगा या फिर नहीं होगा, और क्या आपको पहले इसके बारे में पता था या फिर नहीं पता था। मैं आपके जो है कमेंट का वेट करूंगा। मिलते एक और नई इंफॉर्मेशन, एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।